आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका BHBC News में। क्या कोई महिला गाय से शादी कर उसमें अपना पति तलाश कर सकती है? चौंक गए ना, मेरी इन बातों से बात ही चौंकाने वाली है, तो भला आप क्यों ना चौंकेंगे। तो चलिए, समय बर्बाद किए बिना आपको पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। दरअसल मामला कंबोडिया का है, जहां एक 74 वर्षीय महिला की अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। कंबोडिया के नॉर्थ ईस्ट क्राटी प्रांत में रहने वाली किम हैन नाम की एक महिला ने गाय से शादी कर ली है। महिला का कहना है कि उन्होंने ये शादी इसलिए की क्योंकि गाय उन्हें किस करती है, हमेशा उनके साथ रहती है, यहाँ तक कि वो उनके पास पहुँचने के लिए घर की सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती है। गाय का यही व्यवहार उन्हें अपने दिवंगत पति की याद दिलाता है। तो है ना मजेदार बात, अभी बात खत्म कहाँ हुई है, आगे तो इसमें अभी कई मोड़ हैं, जिसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। किम हैंग नाम की महिला का मानना है कि उनके पति ने एक गाय के रूप में फिर से जन्म लिया है। एक अखबार की खबर के मुताबिक इस शादी का कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन गांव के कई लोगों का दावा है कि उन्होंने ये शादी देखी है और इसमें शरीक भी हुए थे। अभी तो और भी कहानियां इसमें शामिल है, जिससे आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए अब आगे की कहानी बताते हैं। महिला का मानना है कि इस गाय में उनके पति की आत्मा है जो उन्हें प्यार करती है, यहाँ तक तो आपको बता ही दिया है। लेकिन महिला आगे कहती है कि गाय का उनके बालों, गले और चेहरे को प्यार से चाटना, उनका सीढ़ियों पर भी पीछा करना, सब उन्हें अपने पति की याद दिलाता है। यही वजह है कि किम हैंग गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, यहाँ तक कि वो उसे प्यार से नहलाती भी हैं, उसके लिए बिस्तर भी लगाती हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि किम ने अपने पति के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकिया भी गाय को दे दिया है, और हाँ, उन्होंने अपने बच्चों को भी उस गाय को अपना पिता मानने तक को कह दिया है। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि किम के पति की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी। महिला का साफ कहना है कि इस गाय में उनके पति की रूह है, क्योंकि उसकी तमाम हरकतें ऐसी हुआ करती हैं जो उसके पति की हुआ करती थी। खास बात यह है कि महिला के बच्चों को भी अपनी माँ की बात पर पूरा भरोसा है, यही वजह है कि वो भी गाय की दिल से सेवा करते हैं। 74 वर्षीय किम ने अपने बच्चों से कह दिया है कि अगर उनकी मौत भी हो जाती है तो वे गाय को पिता के तौर पर देखते हुए उसका ख्याल रखें और उसे कभी ना बेचें, यहाँ तक कि जब गाय की मृत्यु हो तो उसका अंतिम संस्कार किसी इंसान की तरह ही किया जाए। तो है ना ये दिलचस्प कहानी, क्योंकि गाय और इंसान की शादी का पहले तो कभी कोई मामला सामने आया ही नहीं। आपको भले ही ये कहानी लगे, लेकिन सच यह है कि इससे उन रिश्तों की परिभाषा भी मिलती है जिसके दायरे में प्रेम को रेखांकित किया जा सकता है। अभी तक इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।